प्रिय अभिभावकगण, नमस्कार। आप सभी और हमारे विद्यार्थी हेल्दी और सेफ होंगे, इस विश्वास के साथ आज आपका ध्यान कुछ जरूरी बातों पर डालना चाहूंगी। कोरोना महामारी का कहर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है, सबसे ज्यादा लोगों के रोजगार व स्कूली शिक्षा पर। सब कुछ अकस्मात हुआ, कब तक रहेगा पता नहीं, अनिश्चितता का दौर भी जारी है। 26 मार्च से दो सप्ताह के 4 लॉकडाउन रहे, जिसमें हम सभी घरों की चार दीवारी में सिमट कर रह गए। इसके बाद भी अनलॉक में धीरे धीरे व्यवसायिक गतिविधियों को खोला गया, लेकिन स्कूल अभी भी पूरे देश में बंद हैं। स्कूल तो बंद हो गए, लेकिन स्कूली शिक्षा बंद नहीं हुई। शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता के लिए नई व्यवस्था ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 को अपना ली गई। ऑनलाइन क्लासेस के दूसरे दौर में शिक्षक और बच्चों ने पूरे प्रशिक्षण के साथ लाइव क्लासेस चालू कर दी हैं, और यह देखकर बेहद खुशी है कि लगभग 95% बच्चे कक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं। और इस बात से अभिभावकगण खुश हैं कि बच्चों का समय प्रोडक्टिव हो गया है। इसे रोचक बनाने के लिए शिक्षकों ने पूरे दायित्व व समर्पण भावना से योगदान दिया है। उनके कामों को अंडर एस्टिमेट या नकारना नहीं चाहिए। स्कूल कब खुलेंगे पता नहीं, इस अनिश्चितता के चलते मानव संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के आदेश अनुसार इस नई ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को अपनाया गया है, जो आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। कुछ अभिभावकों द्वारा स्कूल नहीं तो फीस नहीं का स्वार्थ प्रेरित भ्रामक प्रसार प्रचार किया जा रहा है कि वे अप्रैल से जून की तिमाही फीस नहीं देंगे। विद्यालय के स्थायी खर्च जिनमें वेतन, बिजली, पानी, रख रखाव, सरकार को दे यूटी टैक्स सभी पहले की तरह दे हैं। हमें बच्चों के सामने नो स्कूल नो फी की बात करके स्कूल व शिक्षकों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये कठिनाई तो थोड़े दिनों की है और चली जाएगी, फिर शिक्षक भी वहीं रहेंगे और स्कूल भी, किंतु बच्चों के मन में स्कूल और शिक्षा के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या वे उन शिक्षकों से पहले की भांति शिक्षा ले पाएंगे? शिक्षक अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में सैलरी पाते हैं, जैसा कि आप किसी भी सेवा के बदले भुगतान करते हैं। क्या आपने कभी बच्चे की कक्षा देखी है या उसकी भावनाएं जानने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो स्वतः ही आपको शिक्षकों के महत्व का आभास हो गया होगा, और यदि नहीं तो मेरा आग्रह है, कृपया 1-2 क्लास जरूर अटेंड करें, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह सिलेबस कवर किया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि बच्चा न केवल क्लास अटेंड करता है, बल्कि दिए गए होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट कंप्लीट करके टीचर को सबमिट भी करता है, और टीचर्स करेक्शन करके उन्हें वापस भी भेजते हैं। आगे चलकर परिस्थितियों अनुसार टेस्ट नहीं होते हैं तो इनका इंटरनल असेसमेंट भी इसी होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट के आधार पर होगा। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता कि 3-4 महीने कुछ भी ना हो और अचानक से शुरू कर दिया जाए। सभी बच्चों के लिए टेस्ट भी ऑनलाइन रखे जाएंगे और असेसमेंट भी ऑनलाइन होगा। इन सभी कामों में काफी समय और परिश्रम लगता है। क्या आपको अब भी लगता है कि आपको शिक्षकों की सेवाओं के बदले उन्हें इस तरह की बातें करके अपमानित करना चाहिए या उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए? क्या बस चालक, कंडक्टर, स्कूल के सहायक कर्मचारियों को वेतन नहीं देकर भूखा रखा जाएगा? बसें ही तो नहीं चली, लेकिन बसों की किश्तें, इंश्योरेंस, फिटनेस, सालाना देय फीस, वो तो माफ नहीं हुई। आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर
व कम बच्चों पर शिक्षण कार्य होगा, यानी अधिक खर्च। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें भी हमें परेशान करेंगी। फीस माफी की देश भर में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनेकों याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन फीस माफी को कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरह की वेतों की मांग को नकार दिया है, जिसके उपरांत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने दिनांक 9/4/2020 को आदेश जारी किए। उसके बाद भी उच्च न्यायालय में फीस माफी की याचिकाएं दायर की जाती रही, जिन पर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश के आधार पर आगे कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया। हमारी शिक्षण व्यवस्था से तो आप वर्षों से संतुष्ट रहे हैं, कोरोना और लॉकडाउन के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच का विश्वास 3 महीने की फीस को आधार बनाकर अविश्वास में बदल गया। इस दूरी को पाटने का मेरा यह प्रयास है। परेशान आप हैं तो परेशान हम भी हैं। हमें एक दूसरे की व्यथा समझने की जरूरत है, समाधान खोजने की जरूरत है। यदि कोई अभिभावक भारी आर्थिक परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उन्हें पहले भी यह सूचित किया जा चुका है कि वह फीस संबंधी परिपत्र भरकर स्कूल में जमा करा सकते हैं और हम एक्शन ले रहे हैं। बहुत से जिम्मेदार अभिभावकों ने समय से फीस देकर अपना दायित्व बखूबी निभाया है, हम उनके आभारी हैं। वे आप द्वारा भी अनुसरण योग्य हैं। आइए हम संशय नहीं बल्कि सकारात्मक पहल से आगे बढ़ें। धन्यवाद।